पंडित शाकर मिश्रा जी, श्री विश्वजीत सिंह जी, श्री त्रिभुवन नारायण मिश्रा जी, श्री जयप्रकाश गुप्ता जी, आप सबको इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस सभा में। देखिए, चुनाव आ गया है, ऐसे हेलीकॉप्टर में बहुत सारे मेरे जैसे नेता आ रहे हैं, आपको धूल चटा रहे हैं, है? और राजनीति धड़ाधड़ चल रही है पूरे प्रदेश में। अलग अलग तरह के राजनीतिक दल के नेता आपके सामने आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि नहीं। बड़ी बड़ी घोषणाएं भी होती है चुनाव के समय। कुछ राजनीतिक दल ऐसे होते हैं जो घोषणा करते हैं और उनको पूरा करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो घोषणा करते हैं और फिर भूल जाते हैं। सब आप देख चुके हैं। आपने अपने जीवन काल में हर तरह की राजनीति देखी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 30 सालों से आपने सारे लगभग जितने भी राजनीतिक दल हैं उनकी सरकार आपने बना ली, और आपने देख भी लिया कि उन्होंने किया क्या नहीं किया। पहले आपने बसपा को चुना, बहुजन समाज पार्टी को सरकार बनी, उसके बाद समाजवादी दल और अब भाजपा, सबका काम आपने देख लिया है। इन तीनों में एक और चीज देखी होगी आपने कि इनकी राजनीति धर्म और जाति पे आधारित है। बसपा आती है, उसके नेता आते हैं आपके सामने, जाति के आधार पर वोट मांगते हैं। समाजवादी दल जाति और धर्म दोनों का इस्तेमाल करके वोट मांगती है, और भाजपा धर्म के आधार पर आपसे वोट लेती है। सही बात है कि नहीं? ये सही है कि कई बार ज्यादातर जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर आप कूद कर के भी वोट दे देते हैं। सही है? सही है। नहीं तो पिछले 30 सालों में आपके प्रदेश में ये राजनीति फूलती फलती नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर धर्म और जाति की इतनी बड़ी जगह इस प्रदेश के राजनीति में है तो विकास में भी होगी, है? तो बताइए, जब समस्याएं आती है उसमें है, जब महंगाई आती है तो क्या आपके घरों में आके खटखटा के देखती है कि भाई ये हिंदू है मुसलमान है, देखे उसके घर जाए कि नहीं? पूछती है महंगाई? पूछती है? जब सड़क बनती है तो सड़क पे क्या लिखा होता है कि सिर्फ एक धर्म एक जाति के लोग चल सकते हैं बाकी नहीं चल सकते? नहीं होता ना ऐसे। जब बिजली के तार में बिजली आती है तो या तो सबके घर में आती है, किसी के भी नहीं आई। जब बीमारी आती है तो क्या बीमारी पूछती है कि भाई किस धर्म के हो? अच्छा, मैं इस घर को छोड़े देती हूँ, चलो मैं उस परिवार में जाके बीमार कर देती हूँ लोगों को। पूछती है बीमारी? बेरोजगारी पूछती है? तो महंगाई नहीं पूछती, बेरोजगारी नहीं पूछती, बीमारी नहीं पूछती। छुट्टा जानवर पूछता है कि किसका खेत है? क्या वो आके कहते हैं कि अरे भाई ये तो उस धर्म का खेत है, भाई इसको छोड़ो उधर जाके चल लेते हैं? पूछता है? नहीं पूछता ना। तो ये नेता बार बार आके आपको धर्म और जाति की बात क्यों करते हैं आपके सामने? ये नेता आके आपसे धर्म और जाति के आधार पर वोट क्यों मांग रहे हैं? क्यों मांग रहे हैं? विकास करना है तो सबके लिए करना, सड़क बनानी है तो सबके लिए बनाएंगे, राशन देना है तो सबको देंगे, बिजली देनी है तो सबको देंगे, रोजगार देना है तो खोलेंगे, सरकारी रोजगार देने हैं तो खुल जाएगा, सब लेंगे, कहीं कहीं आरक्षण है ठीक है बाकी सब लेंगे। सही बात है कि नहीं? तो कभी आपने सोचा है कि ऐसी राजनीति क्यों हो रही है प्रदेश में? कभी सोचा है? क्योंकि राजनीति का मकसद क्या होता है? नेता का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होना चाहिए? जनता का विकास, जनता की सेवा, नहीं
जनता का। तो ये बातें क्यों हो रही हैं आपके प्रदेश में? अरे किसका फायदा हो रहा है इससे, कभी सोचा? कभी ये सोचा है कि इसका नुकसान हो रहा है आपको? इसका फायदा सिर्फ उन राजनीतिक दलों के नेताओं का हो रहा है, सिर्फ उनका हो रहा है, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो उनको विकास की बात करने की जरूरत ही नहीं है। जब चुनाव आते हैं तो आप तो पूछेंगे ही नहीं कि सड़क क्यों नहीं बनाई, पानी क्यों नहीं दिलवाया, छुट्टे जानवर की समस्या से छुटकारा क्यों नहीं पाए हम, हमें खाद क्यों नहीं मिल रहा है, उपज का दाम क्यों नहीं मिल रहा है, आप तो पूछेंगे ही नहीं। नेता आएंगे, भाषण दे देंगे, बड़ा धर्म पे या जाति पे आपके जज्बात उभरेंगे, आपको लगेगा कि ये सही कह रहे हैं, चलो भैया धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर दे देते हैं वोट। नेता जान गया है भाई और बहनों, नेता तो बड़ा समझदार चतुर होता है, वो जान गया है कि 5 सालों के बाद मुझे तो वोट धर्म पे ही मिलना है, मुझे तो वोट जाति पे ही मिलना है, तो मैं काम क्यों करूं? और ये बुरी आदत आपने दिलवाई है इन सब नेताओं को, इन राजनीतिक दलों को। ये जो आपने जो परंपरा शुरू कर दी ना कि ये मेरे जात का है इसी को दे देता हूँ, ये मेरे धन का है इसी को दे देता हूँ, ये कह रहा है मेरी धन का सुरक्षा करेगा और मैं इसी को दे देता हूँ। अरे इतनी हिम्मत हो गई है इनकी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनको लोग कहते हैं कि बहुत ज्ञानी है, सर्वज्ञानी है, अंतर्यामी है, लोग डरते हैं कि इनके बारे में किसी ने कोई गलत चर्चा कर ली किसी बंद कमरे में तो इनको पता चल जाएगा, ये हिम्मत करते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले हफ्ते आके इन्होंने कहा, हमारे सर्वज्ञानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मुझे तो संज्ञान ही नहीं था कि उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बहुत बड़े परेशानी है छुट्टे जानवर की। वाह 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 वाह, मैं पब्लिक आपको बधाई देना चाहती हूँ कि आपने इतनी खराब कर दी इन लोगों की आदत कि आपके सामने खड़े होकर ये कह सकते हैं कि आपकी सबसे बड़ी समस्या इनकी सरकार केंद्र में, इनकी सरकार प्रदेश में 5 सालों से चल रही है प्रदेश में, और आपकी सबसे बड़ी समस्या की इनको कोई जानकारी नहीं थी। ये चुनाव के समय इनको अचानक जानकारी हो रही है, चुनाव के समय संज्ञान हो गया, चुनाव के समय इसका समाधान भी बोल चुके हैं आपके सामने। 5 सालों से कोई अपने कमरे से बाहर निकला नहीं देखने के लिए कि यहाँ का किसान कैसे मर रहा है, कोई नहीं आया आपसे पूछने के लिए कि खाद नहीं मिल रही है, हम आपको दिलवा सकते हैं, महंगाई बढ़ रही है, हमें इसे घटाना है, रोजगार दिलवाने हैं, आपको अपने पैरों पर खड़ा करना है, छुट्टा जानवर खेत खाया जा रहा है, कोई निकला तक नहीं, अत्याचार हुए महिलाओं पे हाथरस में, उन्नाव में, शाहजहांपुर, कौन निकला? क्या सरकारी मंत्री, सांसद, विधायक निकले? कोई नहीं निकला। प्रियंका गांधी निकली? कोई नहीं निकला। अखिलेश यादव जी नहीं निकले, मायावती जी नहीं निकली। अरे सबकी आदत खराब है, सबकी आदत खराब कर डाली आपने। सब जानते हैं कि हमें जब वोट ही नहीं मिलना जनता की समस्याओं को सुलझा कर, तो हम निकले ही क्यों? आप रोजगार के लिए आप परीक्षाएं देते हैं नौजवान, परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाता है, भ्रष्टाचार है उसमें, तमाम नौजवान सालों को बर्बाद कर चुके, अपने करियर खत्म कर चुके, इंतजार में कि नियुक्ति हो जाएगी, परीक्षा दी है, पैसे खर्चे हैं, मेहनत की है, कुछ नहीं होता। किसी ने सुलझाई ये समस्या? किसी ने नहीं सुलझाई। अब आप पर निर्भर है, देखिए आपको एक ऐसी नीति चाहिए जो आज की सरकार की नीति है। इनको मैंने कहा आपको समझ गए, जाति और धर्म के आधार पर वोट मिलेगा, काम करने की जरूरत नहीं है,
इनकी एक और बहुत बुरी नीति है जो आप समझ नहीं रहे। इनकी सारी की सारी नीतियां अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को के लिए बनी है। अब आप कहेंगे इससे क्या फायदा होता है इनका, मैं फायदे बताती हूँ, गिनाती हूँ। इनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्र जिनको इन्होंने देश के सारे हवाई अड्डे बेच डाले, सारे बंदरगाह बेच डाले, सारी ऐसी संस्थाएं बेच डाली जिसमें से रोजगार मिलते थे, BHEL, HAL, NTPC, रेलवे, नाम लीजिए, बेच डाले। और इन्हीं दो तीन लोगों को ये लोग उनकी पार्टी के फंड करते हैं और यही लोग मीडिया को चलाते हैं। तो जो सामने आपके सामने रोज रोज टीवी पे दिखता है, रोज रोज विज्ञापन दिखते हैं, रोज रोज ये दिखता है कि मोदी जी ने ये कर डाला, योगी जी ने वो कर डाला, उत्तर प्रदेश में लखपति भर डाले, यहाँ पे विकास हो गया, सड़कें बनाई है, घर दिखा दिए सबको, सब रईस हो गए, ये जो आपको दिखाने वाली बात है ना, ये वही करते हैं। और इससे इनका सबसे बड़ा फायदा क्या हो रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। आपकी गरीबी से, आपकी बेरोजगारी से यही सरकार लाभ उठा रही है। अब आप पूछोगे कैसे, कैसे, मैं बताती हूं। जब तक आप गरीब रहोगे, जब तक ये तमाम यहाँ खड़े हुए नौजवान बेरोजगार रहेंगे, पेट खाली रहेगा, अंदर गुस्सा बढ़ेगा, अंदर नाराजगी बढ़ेगी, निराशा बढ़ेगी, दुख बढ़ेगा। और जब पब्लिक में, खास तौर से जब नौजवान के अंदर गुस्सा होता है, तो उसको भड़काना, उसको जाति और धर्म के आधार पर गुमराह करना बहुत आसान होता है बहनों और भाइयों, बहुत आसान होता है। कोई भी 20-21 साल के बच्चे का माँ बाप बता देगा, जब तक वो बच्चा व्यस्त है, पढ़ाई कर रहा है, कमाई कर रहा है, तब तक सब सही है। जैसे ही वो बच्चा घर पे बैठ कर आलसी हो जाता है, कुछ नहीं करता, निकम्मा हो जाता है, तब सारी समस्याएं शुरू होती है, क्योंकि उसमें वो नाराजगी बढ़ती है, गुस्सा होता है, लड़ लेता है माँ बाप से, बाहर जाके कुछ गलत भी कर डालेगा। इसका फायदा उठाया जा रहा है ये राजनीतिक दल जो आपके जज्बातों को उभारना चाहते हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा आपकी गरीबी और आपकी बेरोजगारी से हो रहा है। तो इनकी नीति है जानबूझ के ही आपको बेरोजगार रख रहे हैं, जानबूझ के आपको गरीब रख रहे हैं। ये खुश है कि और किसी चीज का बोलबाला ही नहीं है इस प्रदेश में, सिर्फ धर्म और जाति पर चलेगा। बहुत खुश है, खुद बहुत खुशहाल है। इनके बच्चे बड़े बड़े पाठशालाओं में पढ़ते हैं, जाते हैं विदेश अपनी पढ़ाई करने, किसी बिजनेस वालों के साथ बिजनेस भी कर लेते हैं। लेकिन आपके बच्चे तो वही के वही रहे हैं ना इतने सालों से, आपके यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है। समझ लीजिए कि आपके साथ कितना विश्वासघात हो रहा है। बंद कर डालिए इस राजनीति को, बहुत हो गया है, धर्म और जाति की राजनीति बंद करिए, विकास और सिर्फ विकास की राजनीति लाइए अपने प्रदेश और अपने देश में। भर्ती पिक की प्रक्रिया धूमिल है, कांग्रेस पार्टी कह रही है हम इसको पारदर्शी बनाएंगे, हर भर्ती के लिए परीक्षा का दिन, रिजल्ट का दिन, नियुक्ति के दिन पहले से जॉब कैलेंडर में जाएगा। जो अधिकारी इससे खिलवाड़ करेगा, कानून लाएंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे, कोई पेपर लीक करेगा उस पर कार्रवाई करेंगे, किसी नौजवान के सालों साल बर्बाद नहीं करने देंगे, होंगे। हम कह रहे हैं इन्होंने, आपको मालूम है 12 लाख सरकारी पद खाली रखे 5 सालों से, और आपने इतनी हिम्मत दे दी है कि आपके सामने खड़े होकर कहते हैं रोजगार देंगे। 70 लाख रोजगार बोला था इन्होंने, इन्होंने वचन दिया था आपको 70 लाख रोजगार देंगे, आज आपके सामने
युवा तो प्रदेश में कहीं भी मिल जाएंगे, आप हाथ उठाइए कितने बेरोजगार हैं। हजार हजार दो हजार तो यही है, आपको दिखे नहीं, आप तो देखना नहीं चाह रहे थे। कांग्रेस पार्टी कह रही है सबसे पहले वो 12 लाख पद भरेगी और आपको पूरा खाका तैयार करके दिया है कि 1 लाख पद कहाँ है, 50,000 पद कहाँ से आएंगे, ताकि आप जाने। ये फुसलाने वाली बात नहीं है। 8 लाख नए रोजगार पैदा करेंगे, जो मेरे नौजवान साथी हैं, अगर आप में से कोई एक बिजनेस करना चाहे, छोटा कारोबार शुरू करना चाहे, खास तौर से अगर आप पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग या दलित वर्ग के हैं, 5 लाख रुपए सरकार आपको 1% ब्याज पे देगी, ताकि आपको साधन मिलेगा, आप अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। अगर कहीं हुनर है, जैसे मुरादाबाद में पीतल का हुनर है, कानपुर में लेदर का हुनर है, वहां पे उस हुनर के लिए सारी सुविधाएं दी जाएंगी और उस हुनर को बढ़ाने के लिए जो भी नौजवान अपना छोटा छोटा बिजनेस करना चाहे उसको पूरी सुविधा देगी सरकार। हम कह रहे हैं कि मेरे किसान भाई, हम जानते हैं कितने त्रस्त हो आप, कितनी परेशानियां हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने एक योजना बनाई कि कैसे छुटकारा पा सकते हैं आप छुट्टे जानवर से। पता है क्या किया, सुनिए ये ध्यान से। पब्लिक को कहा कि आप अगर छुट्टे जानवर को आप देखभाल करेंगे तो सरकार आपसे 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेगी, गोबर खरीद के गोबर गैस बनाएगी, खाद बनवाएगी स्वयं सहायता समूहों से। आप देखभाल करोगे, आपकी थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाएगी और उसके गोबर का इस्तेमाल भी हो जाएगा। आपको मालूम है कि 3 साल के अंदर अंदर कोई छत्तीसगढ़ जाए कोई छुट्टा जानवर नहीं मिल रहा। हम कह रहे हैं यही योजना यही लागू करेंगे। यहाँ की सरकार ने क्या किया, गौशालाएं बनाई, चारा नहीं दिया, पानी नहीं दिया, छत भी नहीं दिया गाय के लिए। हमने वीडियो देखे हैं, उनको जेसीबी से उठाकर गाड़ा जा रहा है जिंदा और उसके ऊपर मिट्टी डाली जा रही है। ये है इनका धर्म जो सिर्फ राजनीति के लिए वोटों के लिए चलता है। गाय को जानवर चल रहे हैं, खा रहे हैं, समझ रहे हैं आप। वीडियो चले हैं खूब सारे, पिछले साल आपने भी देखे होंगे। गाय पड़ी है, घाव है उसके, खाना नहीं मिला है, हड्डी हड्डी हो रही है और जंगली कुत्ता उसको खा रहा है। ये है इनका धर्म, समझ लीजिए आपके सामने क्या हो रहा है। इस समस्या को सुलझाना था तो किसने रोका था, छत्तीसगढ़ में चल रहा है वैसा चलाते। मैंने तो मुख्यमंत्री जी को चिट्ठियां लिखी, मैंने कहा छत्तीसगढ़ में हम ऐसे कर रहे हैं, ये योजना लागू कर दीजिए, उत्तर प्रदेश में ये समस्या चली जाएगी। कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, सुन के करेंगे क्या। तो जानते थे कि आपसे आकर धर्म के आधार पर वोट ले जाएंगे। आगे महिलाओं के लिए आपको एक गैस सिलेंडर दे दिया मुफ्त और इनका काम खत्म, आप उसको भर नहीं पा रही हैं। आपको नया सिलेंडर अब जब खरीदने जाए तो 1,000 रुपए लगते हैं। आप काम कर रही हैं सुबह शाम, मेहनत कर रही हैं खेतों में घर पे, आपको कोई सशक्त करने की बात करता है, आपके लिए पाठशालाएं बनाने की बात कोई नहीं करता। उसी वजह से कांग्रेस पार्टी कह रही है हर जिले में एक केंद्रीय विद्यालय जैसा महिलाओं के लिए विद्यालय बनेगा, जहां आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी और आपको हुनर की भी शिक्षा मिलेगी। हम कह रहे हैं कि 40% रोजगार सरकारी बहनों को मिलेंगे, पहले के आरक्षण के तहत, ताकि आप सशक्त हो। आशा बहुएं, आंगनबाड़ी की बहने योगी जी के पास दरख्वास्त ले गई, उनकी मीटिंग में ऐसे ही उनको बेरहमी से पुलिस ने पीटा, कांग्रेस पार्टी ने उसी महिला को चुनाव लड़ाया। हमने उसी महिला को कहा तुम्हें पीटा ना, तुम अपना हक मांग रही थी, सत्ता तुम अपने हाथों में ले लो, अपने हाथों में ले लो, क्योंकि ये सत्ता तुम्हारी काम की नहीं है, जो तुम्हें पीटती है, तुम पर दमन करती है, तुम्हें मारती है, जब तुम अपना हक मांग रही हो।
हम कह रहे हैं कि आशा बहुओं और आंगनवाड़ियों को 10,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। हम कह रहे हैं कि आज आप अस्पताल में जाती हैं, ब्लॉक का अस्पताल है, पीएचसी है, उसमें आपको पुरुष डॉक्टर मिलता है। क्या बताएंगी आप अपनी समस्याएं पुरुष डॉक्टरों को? किसी ने सोचा है कि आपके लिए महिला डॉक्टर होनी चाहिए, महिला नर्स होनी चाहिए? हम कह रहे हैं कि हर ब्लॉक के अस्पताल में हम ये सुविधा उपलब्ध करना चाहते हैं आपके लिए। आप पर अत्याचार होता है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार सबसे ज्यादा है, और जब अत्याचार होता है तो उल्टा महिला को फिर से जलील किया जाता है, उसके परिवार को दबाया जाता है, अपराधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज ही नहीं होता। हम एक कानून लाएंगे कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर एफआईआर अपराधी के खिलाफ दर्ज नहीं हुआ तो जिसने रोका है उस अधिकारी का सस्पेंशन किया जाएगा। हम आपकी सुरक्षा चाहते हैं। इस सरकार ने कहा है क्या सिलेंडर, हम कह रहे हैं 3 ले लीजिए। हम छात्राओं को कह रहे हैं मोबाइल फोन ले लीजिए, स्कूटी ले लीजिए, सशक्त बनिए। और हमारी घोषणाएं भाजपा को भी पसंद आ गई है, उन्होंने लेकर अपने घोषणा पत्र में भी डाल दिया और खुश है। चलो हमने आवाज उठाई महिलाओं के लिए, अब ये भी बोलने लग गए क्योंकि अब इनको लगने लग गया है कि अगर महिलाओं ने गलती से वोट किसी और को दे दिया तो ये कहा के रह जाएंगे। तो असलियत ये है बहनों और भाइयों, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, छोटे दुकानदारों, छोटे व्यापारियों के लिए आपकी जो बिल है बिजली की वो आधी की जाएगी सबके लिए वैसे। और अगर कोरोना का कुछ बकाया था और आप बहुत जरूरतमंद हैं, आपकी दुकान नहीं चल रही है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा क्योंकि कोरोना के बकाए, बिजली के बकाए के लिए आपको कर्ज लेना पड़ा, तो हम उस बकाए को भी साफ कर देंगे। ये जो सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं अपने दोस्तों को बेच रहे हैं ना, ये हम रुकवाएंगे। जो संस्थाएं कमा रही हैं, जो अच्छी चल रही हैं, वो पब्लिक की संस्थाएं, उनको बेचने नहीं देंगे। हम रोकेंगे इसको ताकि आपको रोजगार मिले, ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हो। इस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद किया किसके साथ? इस देश के किसानों के साथ। यहाँ जितने भी आप किसान बैठे हैं, आपके पूर्वजों ने खून पसीना बहाकर अंग्रेजी साम्राज्य का सामना किया और इस देश को आजाद बनाया। किस लिए? किस लिए? ताकि कोई और आपको गुलाम बना दे? कोई ऐसी सरकार जो जानती है कि धर्म और जाति के आधार पर राज करती रहेगी और आप गुलाम बन जाओगे, गरीब रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे अपने लिए? क्या इसलिए आजादी दिलवाई थी इन लोगों ने, आपके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने शहीद होकर? नहीं, इसलिए नहीं थी। वो आजादी इसलिए थी ताकि आप जैसे सारे एक एक देशवासी आजाद हो, अपने हक को मांगने के लिए आजाद हो, अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए आजाद हो, उसकी अपनी कमाई हो, उसका रोजगार हो, वो विकसित हो, वो सक्षम हो, वो सशक्त हो। इसीलिए आजादी दिलवाई थी। इसलिए नहीं कि कुछ झूठे नेता आप लोगों का राज करे और आपको गरीब से गरीब बना डाले, इसलिए नहीं थी आजादी। अब आप इन बातों को ध्यान से समझ लीजिए। बदलाव आप ही ला सकते हैं, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति आपका वोट है। ये वोट आप व्यर्थ में डाले जा रहे हैं बार बार। ये वोट जा रहा है उन लोगों को जो जानते हैं कि आपके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इस बार अपना वोट अपने विकास के लिए डालो, इस बार अपना वोट अपने भविष्य को मजबूत करने के लिए डालो। इस बार समझदारी से, पूरी जिम्मेदारी से आने वाली पीढ़ी के लिए, इस देश को मजबूत बनाने के लिए, अपने प्रदेश को विकसित करने के लिए अपना वोट डालो। इसको व्यर्थ मत करो बहनों और भाइयों। सबसे बड़ा पाप हो जाएगा ये अपने प्रति और किसी के प्रति नहीं, आपके अपने प्रति, क्योंकि कोई आपका विकास नहीं कर रहा है। ये प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है इस देश में,
सबसे ज्यादा हुनर है, सबसे उपजाऊ जमीन, सबसे ज्यादा नौजवान, सबसे ज्यादा ऊर्जा और सबसे पीछे है। इसको आगे बढ़ाओ, विकसित बनाओ, अपना भविष्य मजबूत बनाओ। यही सब बातें कहने के लिए मैं यहाँ आई थी। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, आप हमारे घोषणा पत्र पढ़िए, आप देखिए, सुनिए हमारी नेताओं की बात कि क्या करना चाहते हैं, कैसे करेंगे। आप सोचिए कि अच्छा ही ऐसा कह रहे हैं क्या, जहाँ इनकी सरकारें उन्होंने ऐसा किया है। देखिए, समझिए, जागरूक हो जाइए और तब अपना वोट डालिए। आपके लिए कुछ नहीं किया है इस सरकार ने, समझ लीजिए कि आपके साथ बहुत विश्वासघात हो रहा है। मैं पूरा भरोसा करती हूँ कि आप जिम्मेदारी से ये वोट डालेंगे। हमारी बातें अच्छी लगी तो हमारी पार्टी को आगे बढ़ाओ। हमारे एक नेता है, प्रत्याशी है यहाँ, सदामोहन उपाध्याय जी, इनको जिता के देखो, देखो 5 साल का मौका दो। 5 सालों में तो आपने देखी है कुछ नहीं हुआ आपके लिए, अब एक मौका दो, देखो क्या करते हैं। नहीं करेंगे तो इनको भी निकाल देना, यही आपकी आदत होनी चाहिए। आखिर बात में यही कहना चाहती हूँ, अगर आदत डालनी ही है ना नेताओं में, तो ये आदत डालो कि आपके सामने अगर कोई घोषणा कर दी, अगर कुछ कह दिया, कोई वचन दे दिया और 5 साल बाद उसे पूरा नहीं किया, तो आदत डालो कि उसको दोबारा वोट नहीं दोगे, उसको जवाबदेह बनाओ। क्योंकि इस लोकतंत्र में नेता जनता के प्रति जवाबदेह है, यही हमारे संविधान में लिखा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी। अब पोलिंग के समय जब वोट डालेंगे तो सोच समझ के अपना वोट डालना, व्यर्थ मत करना इसे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। कांग्रेस ही है माता जी।